आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर जैसे जैसे महानगर का रूप लेती जा रही है, वैसे वैसे यहां चोरियों के मामले में भी इजाफा होता जा रहा है। इसी तारतम्य बिलासपुर के सिविल लाइन पुलिस ने चोरी के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए सिविल लाइन CSP मंजुलता बाज ने बताया कि मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी कि आनंद नगर उसलापुर में रहने वाला मुख्य आरोपी गोलू दास मानिकपुरी चोरी के सामान को अलग अलग जगह पर बेच रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने टीम बनाकर मुख्य आरोपी की धरपकड़ की कार्यवाही शुरू की। मुख्य आरोपी गोलू दास मानिकपुरी के पकड़ में आने के बाद जब उससे पूछताछ की गई, तो आरोपी ने बताया कि उसके द्वारा 7 लकड़ी का दरवाजा, 2 नग प्लास्टिक के पानी की टंकी, 1 टुलू पंप, 14 नल की टोंटी, एल्युमिनियम की खिड़की समेत कई सामानों की चोरी की है। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके द्वारा धर्मेंद्र गेंदले, अजय मसीन, नारायण पात्रे और कबाड़ खरीद बिक्री का काम करने वाली सुनीता निर्मलकर के पास सामान को बेचा गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी के बयान पर अलग अलग थानों से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां आगे की कार्यवाही की जा रही है। एक प्रार्थी राजेश तिवारी है, गुरुदेव नगर मंगला के, उन्हें रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उनके घर के कुछ सामान जैसे कि नल, पंखे, इस तरीके के घरेलू सामान करीब 3 लाख रुपए का चोरी हो गया है, जिस पर विवेचना दौरान हमें गोलू दास मानिकपुरी, उस जो उस्तापुर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ करने पर उसने चोरी करना स्वीकार किया और जिससे माल भी बरामद हो गया है। चोरी करने वाले के अलावा 4 अन्य व्यक्ति जिन्होंने चोरी का सामान खरीदा था, उनको भी गिरफ्तार किया। ये कौन कौन है जिन्होंने चोरी का सामान खरीदा, कबाड़ी है या अन्य लोग? खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।